साथियों साथियों मैं भूप सिंह। साथियों हम सभी लोग अभी दिल्ली में हैं और एक खुशखबरी छोटी सी ये है कि एक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, हमें उनसे कल मिलना है। उन्होंने हमें 10 बजे का वक्त दिया है, तो आप सभी लोगों को जनपथ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर आना होगा। किससे मिलना है मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग देख चुके हो कि ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं किसी के भी कान भर देते हैं और हमारे खिलाफ दुष्प्रचार का करते हैं। तो साथियों कल आप सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। हो सकता है कि बात अगर हम समझा पाए तो शायद पेपर भी कैंसिल हो सकता है आपका। आप सभी को आना पड़ेगा कल। भाई देखो, आप सब लोग अपने अपने घर जा चुके होंगे, हम आपके वहां से सबसे लास्ट में निकले थे और तब के कोई ना कोई अप्रोच लगवा के ढूंढ रहे हैं, भाई कोई तो है वो ऐसा जो हमारी बात सुने। हाँ। ठीक है, तो हमने किसी ने किसी की अप्रोच लगवा के अभी हम उनसे मिल के आए हैं, टाइम लेके आए हैं। कल उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया कि भाई 10 बजे तक आप पहुंच जाना, मैं आपको 15 से 20 मिनट दूंगा, उसके बाद मुझे निकलना है। ठीक है, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कल भारी से भारी संख्या में पहुंचो। अगर कल आप संख्या में आ जाते हो, देख लो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल लीडर कोई भी हो, सबको भीड़ दिखने चाहिए। ठीक है, और साथियों हम नाम इसलिए नहीं बता रहे ताकि कोई भी बच्चा हमसे पहले पहुंचकर उनके मन में नेगेटिव जो विचार है वो ना डाले। हम लोग सिर्फ ये चाहते भी फेयर इंक्वायरी हो, ताकि ये पता लगे कि कौन फेल और कौन पास और कहां घपला हुआ। इंद्र गुप्ता हमारी बात समझ पाए और वो इंक्वायरी 101% कराएंगे। उन्होंने बोला है कि बेटा आप कल आ जाओ, और हमें ना एक बार थोड़े आज हमारे पास सारी फाइल वगैरह भी नहीं थी क्योंकि हमने गुप्ता जी को दे दी थी, तो उन्होंने बोला कल अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ हमें दिखाओ, और मैं बोलूंगा एलजी को सीधा आपकी इंक्वायरी होगी। ठीक है साथियों, आप सभी लोग अपने अपने ना एडमिट कार्ड जरूर लेके आएंगे, जो मैंने पहले बोला कि प्रिंट आउट लेके आने हैं, साथ ही स्कोर कार्ड भी आपको कल लेके आने। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट मुझे वहां मिलेगा उसको हम लोग मिलने नहीं देंगे उनसे, क्योंकि ये हमारा राइट है, हमारे साथ गलत हुआ तो हम लोग मिलेंगे उनसे और हम लोग समझाएंगे कि सर हम फेलियर नहीं, हमारे साथ जो गलत हुआ है उसको उसकी आप जांच करवाइए। और आज की जो मीटिंग थी स्टार्टिंग में भी गुप्ता जी ने जैसे हमारी नहीं सुनी थी, हमारे साथ एक लड़की भी गई थी, बट जब हमने उनको समझाया कि सर हमारे साथ ये गलत हुआ है, उन्होंने सुना भी है, हमसे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं कि भाई इनको मैं देख के एक बार विचार करूंगा और एलजी से मिलूंगा। देखो आज हम इतने जितने भी साथी हमारे थे हम सबका धन्यवाद चाहते हैं इनके, उससे आज उन्होंने इतनी सुन ली। अगर हम यहाँ भी 10 बंदे पहुंचते तो हमारी कोई नहीं सुनता। विजेंद्र गुप्ता जी ने 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन के बाद वो एलजी साहब के पास जाएंगे 2 दिन के अंदर, और ये उनको उनके साथ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये सब की आपकी एकता की ही शक्ति है, इतने जो हमारे स्टूडेंट्स आज आए थे उनकी वजह से हमारी सुनवाई होगी। अगर हम 10 बच्चे होते हमारी कोई सुनवाई नहीं होनी थी। तो लास्ट और फाइनल बता रहा हूँ भैया, कल आप सब लोग 9:30 बजे तक वहाँ मेट्रो स्टेशन पे पहुँच ले। और साथियों दूसरी बात ये है, मैं आपको एक लीगली खुशखबरी भी दूंगा जो शायद कल शाम को मिलेगी। मैं उसी के लिए आज शाम को भी गया था और पॉलिटिकल के भी लिए गया था। आप लेकिन मेरा साथ दो और साथ में आओ, तभी आपको कुछ कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।